अभी अभी लंच खत्म ही हुआ था। लंच के बाद नया पीरियड शुरू हुआ था, लेकिन किसी का मन पढ़ाई पर नहीं था। मधु का तो बिल्कुल भी नहीं था। उसने अभी अभी मूली का पराठा खाया था और उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई थी। अरे यार, ये पेट इतनी आवाज क्यों कर रहा है? लगता है गैस हो गई है। धीरे से छोड़ देती हूँ, किसी को समझ में नहीं आएगा। मधु ने धीरे से बिना कोई आवाज के गैस छोड़ दी और फिर पूरी क्लास चिल्लाने लगी। अरे कौन है? किसने पादा क्लास के अंदर? माँ कसम, बिल्कुल मरे हुए सुअर जैसी स्मेल है। ओ ये सुनकर मधु ने अपने ही मन में सोचा, इतना बुरा भी नहीं है, मुझे तो ये स्मेल अच्छा ही लगता है। सामने से टीचर ने कहा, किसी ने लंच में मूली खाया है, ये उसी का नतीजा है। किसने खाई है मूली? मधु ने जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठी रही। पूरी क्लास बाहर निकल गई। इतनी बदबू कोई कैसे सह सकता है? क्लास की छुट्टी हो गई। मधु ने सोचा, जो भी बोलो, फायदा तो हुआ ना मेरे पादने का, क्लास की छुट्टी हो गई। मधु ऐसी ही पदोड़ी है, उसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। वो कभी भी कहीं भी पाद मार देती है। इस बात को लेकर उसकी माँ जानकी बहुत परेशान है। मधु बेटी, तू अगर ऐसी पादने फिरेगी ना तो तेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा, सभी तुझसे दूर भागेंगे। भागने तो माँ, मुझे क्या, पाद आए तो रुक कर बैठी रहूं क्या? पाद आएगी ही क्यों, उल्टी सीधी चीजें खाना बंद कर, हेल्दी कुछ खा, जैसे कि सब्जी वगैरह। छी, सब्जी कोई खाता है क्या? मुझे तो चिकन मटन ये सब खाना है। मधु को सब्जियों से एलर्जी थी, वो सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वो सिर्फ मांस खाती थी। एक दिन उसे बहुत बुखार आया और साथ में पेट भी खराब हो गया। वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा, देखिए, ज्यादा मांस खाना सेहत के लिए हानिकारक है, लीवर खराब हो सकता है। तुम्हारे लीवर का कंडीशन अच्छा नहीं है, जरा ध्यान रखा करो और हरी सब्जियां खाओ। लेकिन मधु किसी की सुनने वालों में से थोड़ी है। दवाई खाकर ठीक होने के बाद ही वो बटर चिकन खाने के लिए रेस्टोरेंट चली गई और घर आकर गंदी गंदी पाद मारने लगी। और ऐसे ही दिन बीतता गया। मधु 11वीं कक्षा में दाखिल हो गई और एक नए स्कूल में आ गई और पहले ही दिन लंच में मूली के पराठे लाई और फिर पराठा खाकर ऐसी पाद मारी कि क्लास की छुट्टी ही हो गई। वो जल्दी घर लौटी। जानकी ने कहा, क्या बात है बेटी, आज इतनी जल्दी घर आई? अरे माँ, मैंने ऐसी पाद मारी कि टीचर भी परेशान हो गई और हमारी छुट्टी हो गई। ये बहुत गलत बात है बेटा, एक दिन तेरा भांडा फूट जाएगा और उस दिन स्कूल में तेरी बहुत बदनामी होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, आप निश्चिंत रहिए। मधु ऐसे ही हर रोज क्लास में पाद मारती रही। पूरे स्कूल में ये बात फैल गई कि 11वीं कक्षा में हमेशा बदबू रहती है। उफ, कितनी बदबू है, इन बच्चों में से कोई पाद मारता है, ये सब शैतान है शैतान, जानबूझकर ये सब करते हैं। जिस दिन उस पाद मारने वाले को पकड़ लूंगी ना, उस दिन उसे स्कूल से निकाल दूंगी। पाद मारने वाले को पकड़ने के लिए सारे टीचर्स ने मिलकर एक प्लान बनाया। सुनो बच्चों, एक खुशखबरी है, कल हम सब लोग पिकनिक पर जाएंगे। सभी बच्चे खुश हो गए। वाओ, पिकनिक, वो भी स्कूल से, कितना मजा आएगा। हाँ, सभी मिलकर खेलेंगे कूदेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन मधु सिर्फ खाने के बारे में सोच रही थी। वाओ, फ्री में कितना कुछ खाने को मिलेगा, मैं तो पेट भरकर खाऊंगी। अगले दिन सभी बस में बैठकर पिकनिक के लिए निकल गए। मुफ्त के ज्यादा खाने के लिए मधु ने सुबह से कुछ नहीं खाया। पेट खाली रखना होगा ताकि पिकनिक में ज्यादा से ज्यादा खा सकूं। सभी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए और टीचर लोग खाना बनाने लगे। सारे बच्चे इधर उधर खेलने लग गए, लेकिन मधु चूल्हे के पास बैठकर खाने का इंतजार करती रही। 2 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो गया। बच्चों आ जाओ, खाना तैयार है। सभी बच्चे हाथ में प्लेट लेकर लाइन में खड़े हो गए। मधु लाइन में सबसे आगे थी। उसने प्लेट भरकर खाना ले लिया और 2 मिनट में खाना खत्म भी हो गया। उसने फिर से प्लेट आगे बढ़ा दी। ऐसे वो बार बार खाना मांगकर खाने लगी। ऐसे 4-5 बार मांगने के बाद वो फिर से मांगने गई, टीचर खाना दीजिए ना। और खाना नहीं है, खत्म हो गया। खाना खाने के बाद सब लोग बस में चढ़ गए। मधु बस में बीचों बीच बैठ गई। बस चलने लगी और तभी मधु को पाद आ गई। मधु ने धीरे से पाद दिया और पूरे बस के लोग पागल ही हो गए। अरे यार, पेट भर कर खाने के बाद ये सब सूंघना पड़ेगा क्या? हर रोज ये सूंघना पड़ता है, आज तो मत पादो यार। मधु अपने ही मन में हंसने लगी। हर 2 मिनट में वो पादने लगी और हर 2 मिनट में एक स्टूडेंट उल्टियां करने लगा। पूरी बस गर्म गंदी हवा से भर गई। अब सभी गालियां बकने लगे। कौन बेशरम पाद रहा है,
मरा हुआ जानवर खा लिया हो क्या? बदबू सूंघते सूंघते नाक में छाले पड़ गए यार, अब तो रुक जाओ। ये सब ना सुनना पड़े इसलिए मधु ने कानों में हेडफोन लगा लिया और उसमें जोर से गाना भी चला दिया। लेकिन कुछ देर बाद वो खुद ही भूल गई कि उसके कान में हेडफोन लगा हुआ है। उसे जोर से एक बात आई, अरे यार ये बात तो बहुत जोर से होने वाला है, क्या करूं? कुछ नहीं, बस में गाना चल रहा है, बात देती हूँ, किसी को आवाज नहीं आएगी। मधु ने जोर से बात दिया। बात की आवाज इतनी तेज थी कि पूरी बस कांप उठी। ड्राइवर ने बस रोक दी। अरे ये क्या था, भूकंप आ गया क्या? और फिर मधु ने देखा कि बस में सब लोग उसी की ओर देख रहे हैं। वो भूल गई थी कि गाना बस में नहीं उसके हेडफोन में चल रहा था और इसीलिए बात की आवाज सबने सुन ली। मधु तो तुम हो वो पदोड़ी, चलो स्कूल में हम तुम्हें दिखाते हैं। स्कूल पहुंचकर सभी मधु की बेइज्जती करने लगे। टीचर ने कहा, तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है मधु, तुम जैसी पदोड़ी के लिए इस स्कूल में कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं मैडम, मुझे मत निकालिए, मुझसे गलती हो गई, सॉरी मैडम। लेकिन मधु को स्कूल से निकाल दिया गया। मधु शर्म के मारे मर गई। बेटी इसीलिए कहती थी कि कुछ हेल्दी खाया कर। मुझे समझ में आ गया हेमा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और हेल्दी खाऊंगी, बस मुझे स्कूल जाना है। मधु डॉक्टर के पास गई और दवाई खाने लगी। उसने मांस खाना बंद कर दिया और हरी भरी सब्जियां खाने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी पाद मारने की बीमारी ठीक हो गई और वो फिर से स्कूल जाने लगी। सारे बाराती बस में आराम से बैठे हुए हैं। शादी में खाना खाकर सभी बहुत खुश हैं। बस चकाचक भरी हुई है। इतने में पल्लवी का पेट दर्द करने लगता है। अरे यार इस पापी पेट को भी अभी दुखना था, क्या मुसीबत है। पल्लवी के पास में ही उसका नया नवेला पति सुरेश बैठा हुआ था, वो बैठे बैठे सो गया था। इतने में पल्लवी ने चुपके से एक पाद मार दिया। मजा आ गया। उसकी दुर्गंध सुरेश तक पहुंची और सुरेश की नींद टूट गई। वो कूद उठा। अरे बाप रे, इतनी बदबू, भला पेट में गोबर जमा रखा है क्या? किसने किया ये, किसने? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। पल्लवी चुप बैठी रही। अभी अभी शादी हुई है मेरी, अभी अगर पता चला कि मैं इतनी पाद मारती हूँ तो पता नहीं क्या होगा, क्यों खाए मैंने इतने सारे मोमो। पल्लवी को बचपन से मोमो और छोले भटूरे बहुत पसंद है, और वो भी बाहर का। वो जब छोटी थी तब स्कूल जाते वक्त उसकी माँ जानकी कहती थी, बेटा आज टिफिन में क्या लेकर जाएगी? कुछ नहीं माँ, आपको टेस्टी खाना बनाना कहाँ आता है? अच्छा तो फिर किसको आता है खाना बनाना? रामू काका को, वो स्कूल के बाहर मोमो बेचते हैं, मैं वहीं से टिफिन खा लूंगी। पल्लवी घर में खाना पसंद नहीं करती थी, उसको हमेशा बाहर ही खाना होता था। बेटी बाहर का खाना मत खा, तबीयत बिगड़ जाएगी। कुछ नहीं होगा माँ, आप चिंता मत कीजिए। बाहर खाते खाते पल्लवी का पेट बिगड़ने लगा। एक दिन वो अकेली अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसको पाद आ गया। उसने पाद दिया। अरे कितना गंदा स्मेल है, लगता है आज मैंने मोमो ज्यादा खा ली। लेकिन फिर भी पल्लवी का खाना नहीं रुका, वो कॉलेज जाने लगी। कॉलेज में पहले दिन वो क्लास बंक करके बाहर घूमने चली गई। जरा देखो तो यहाँ खाने की दुकानें कहाँ हैं और क्या क्या मिलता है यहाँ। पल्लवी ने मोमो और छोले भटूरे की दुकानें ढूंढकर निकाली और हर रोज खाने लगी। वो एक एक दिन में 10-10 प्लेट मोमो चट कर जाती थी। ये देखकर एक दिन मोमो वाले ने उससे कहा, अरे दीदी इतना भी मोमो खाना अच्छा नहीं होता, इसमें मैदा होता है, ज्यादा मैदा शरीर के लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर पल्लवी ने कहा, तू ज्यादा ज्ञान मत दे, चल और एक प्लेट मोमो लगा, और सुन चटनी थोड़ी सी तीखी करना कल से। मोमो खाने के बाद वो पास की दुकान में छोले भटूरे खाने चली गई। अरे दीदी अभी अभी तो मोमो खाया आपने, छोले भटूरे में भी मैदा ही होता है, बाद में खाइएगा। अरे तुम लोगों ने तो हद ही पार कर दिए, छोले भटूरे दे रहे हो या मैं जाऊँ दूसरी दुकान में। ये सुनकर छोले भटूरे वाले ने पल्लवी से और बहस नहीं की। पल्लवी के जाने के बाद उसने कहा, ये लड़की कितना खाती है। अरे बहुत जल्दी पेट खराब होगा इसका। और वही हुआ भी, पल्लवी बहुत ज्यादा खाने लगी, चाहे घर में हो या कॉलेज में। एक दिन क्लास में बैठे बैठे पल्लवी ने ऐसा पाद मारा कि सबके होश उड़ गए। अरे किसने किया ये, क्या खा के आई बहन, कितनी बदबू है। आज क्लास खत्म, इतनी बदबू में क्लास नहीं हो सकती। पल्लवी मन ही मन हंसती रही। अरे वाह मेरी पाद में तो बहुत ही ज्यादा शक्ति है, क्लास ही बंद कर दिया मैंने तो। पल्लवी घर में भी पाद मारने लगी, उससे घर वाले परेशान हो गए। उसकी माँ जानकी ने कहा, पल्लवी बेटी अभी से इतनी बदबू छोड़ेगी तो बाद में क्या होगा, तेरा पति तुझसे परेशान हो जाएगा। पल्लवी के पिता हरिहर ने कहा,
कोई बदबू सुनकर इससे शादी नहीं करेगा। बेटी तू ये सब खाना छोड़ दे और मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। नहीं पापा, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है और खाना तो मैं बंद नहीं करूंगी। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। हरिहर और जानकी परेशान हो गए। उन दोनों ने पल्लवी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में एक लड़का उन लोगों को पसंद आ गया। लड़के का नाम सुरेश था। सुरेश को भी पल्लवी बहुत पसंद आई और शादी तय हो गई। लेकिन पल्लवी ने मोमो और छोले भटूरे खाना नहीं रोका। शादी से एक दिन पहले जानकी ने पल्लवी से कहा, पल्लवी शादी तक तू ये सब मत खा, नहीं तो शादी में बैठकर पाद मारती रहेगी। अरे अब चिंता मत करो माँ, कुछ नहीं होगा। शादी के बाद जो चाहे वो करना, लेकिन शादी तक रुक जा बेटी। पल्लवी ने कहा कि वो मोमो और छोले भटूरे शादी तक नहीं खाएगी, लेकिन उसे भी पता था कि वो अपने आप को रोक नहीं सकती। शादी का दिन आ गया। पल्लवी की सहेलियां सुबह सुबह चली आई। अरे सुनना ललिता, मैंने कल से मोमो नहीं खाया, छोले भटूरे भी नहीं खाया, मुझे ला देना। नहीं पल्लवी, तेरी माँ मुझे मारेगी फिर। अरे उन्हें पता ही नहीं चलेगा, हमारी दोस्ती की कसम, ला देना। ललिता मना नहीं कर पाई, वो छुपकर बाजार गई और फिर छोले भटूरे और मोमो खरीद कर ले आई। पल्लवी ने सुबह सुबह मोमो और छोले भटूरा खाया। उसके पेट में गैस बढ़ने लगी। दोपहर को भी उसने वही खाया, उसके पेट में गैस और बढ़ गई। शाम को सुरेश बारात लेकर आ गया, लेकिन पल्लवी का मन सिर्फ खाने पर था। शादी के स्टार्टर में मोमो था। पल्लवी ने और मोमो खाया और फिर उसकी शादी हो गई। सारी बाराती बस में चढ़ गए और पल्लवी सुरेश की गाड़ी में बैठ गई। उसके हाथ में तब भी एक प्लेट मोमो था। अरे मोमो बहुत पसंद है क्या तुम्हें? हाँ बहुत पसंद है। गाड़ी में बैठे बैठे पल्लवी सारे मोमो चट कर गई और फिर रास्ते में अचानक से गाड़ी खराब हो गई। अरे बाप रे, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। चलो पल्लवी, हम दोनों बस में चढ़ जाते हैं। दोनों बस में चढ़ गए। वहाँ सारे बाराती बैठे हुए थे और बस चकाचक भरी हुई थी। इतने में पल्लवी की पास निकल गई। सुरेश ने परेशान होकर कहा, अरे बाप रे इतनी बदबू, भला पेट में गोबर जमा रखा है क्या? किसने किया ये, किसने? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद पल्लवी को फिर से पाद आ गई। उसने पाद दिया और इस बार पूरे बस में बदबू फैल गई। सारे बारातियों ने अपनी नाक ढक ली। अरे बाप रे कौन है ये, नई दुल्हन के सामने पादने में शर्म नहीं आई? शादी में थोड़ा कम नहीं खा सकते थे क्या? नई दुल्हन हमारे बारे में क्या सोचेगी? पल्लवी अपने ही मन में सोचने लगी। इन्हें तो पता ही नहीं है कि मैं पाद रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, पाद को रोकूं कैसे? ये सोचते हुए पल्लवी ने फिर से पाद दिया और इस बार जोर से आवाज हुई। पल्लवी शर्म से मर गई। पल्लवी तुम इतनी देर से तुम पाद रही थी? वो असल में हाँ, बहुत ज्यादा मोमो खा लिए मैंने। इतनी बदबूदार पाद। तभी पल्लवी ने फिर से पाद दिया। पूरे बस के लोग पागल हो गए, सभी चिल्लाने लगे। अरे बस रोको रोको, दरवाजे खोलो, खिड़कियाँ खोल दो भाई, पाद पाद कर पोल्यूशन कर दी है। अरे बाप रे, बचपन से अभी तक जो भी खाया है सब निकल जाएगा भैया। बस रुक गई, सारे लोग नीचे उतर गए और किसी किसी ने तो सच में उल्टी कर दी। सुरेश ने पल्लवी से कहा, पल्लवी ये क्या कर डाला तुमने, तुम इतनी पदौड़ी हो। माफ करना, मुझे कभी कभी पाद निकल जाती है। कभी कभी? हर दो मिनट में पाद रही हो तुम। सुरेश का बोलना खत्म ही नहीं हुआ कि तभी पल्लवी ने फिर से पाद दिया। पल्लवी ड्राइवर के पास जाकर बैठ गई। बस में से बदबू निकल जाने के बाद सभी बस में फिर से चढ़ गए। बस चलने लगी लेकिन पल्लवी को फिर से पाद आ गई। नहीं नहीं और नहीं पादना है, और नहीं और नहीं और नहीं। पल्लवी ने किसी तरह पाद को रोक लिया, लेकिन उसके पेट में गैस जमने लगी। पल्लवी ने कई बार पाद रोका, लेकिन उसके बाद उसे इतनी जोर से पाद आई कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने इतनी जोर से पादा कि पूरी बस काबू थी और इतनी बदबू से सभी का सर चकराने लगा। ड्राइवर उसके पास में ही बैठा हुआ था। पाद की बदबू से ड्राइवर बेहोश हो गया और बस एक पेड़ से टकरा गई। माफ कर दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई। अरे गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुमसे शादी कर ली। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पदौड़ी बीवी। चलो अभी मैं तुम्हें लौटा कर आता हूँ। सुरेश ने पल्लवी को घर छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। पल्लवी को बहुत शर्म आई। उसने रोते हुए हरिहर से कहा, पापा आप सही थे, मुझे डॉक्टर से दिखाना चाहिए था। मां काश मैं आपकी बात सुन लेती, आज से मैं वो सब नहीं खाऊंगी। पल्लवी समझ गई, वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसके पेट का अल्ट्रासाउंड करके प्रॉब्लम समझा और फिर ट्रीटमेंट करके उसका पेट ठीक कर दिया। पल्लवी ने मोमो और छोले भटूरे खाना छोड़ दिया और उसकी पाद मारने की आदत भी छूट गई। उसके बाद सुरेश ने भी उसे अपना लिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।
दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।